लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए कहा यह जा रहा है कि दरअसल लोगों के धार्मिक अधिकार सरकार छीन लेना चाहती है, इस वजह से समान नागरिक संहिता का राग भारतीय जनता पार्टी की ओर से छेड़ा जा रहा है। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो जो संविधान ये बात करते हैं कि अनुच्छेद 25 इन्हें धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसी संविधान में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो या तो आप संविधान को मानते हैं चित्रा जी, या नहीं मानते हैं। ये तो नहीं हो सकता है एक अनुच्छेद अच्छा है दूसरा खराब है। दूसरी बात, मैं सुनता था अभी जब हिजाब का मामला आया कि कॉलेज स्कूल में नहीं पहनना चाहिए, तो इन लोगों ने कहा बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें ये अधिकार दिया था। अब बी आर अम्बेडकर साहब जी ने ही अनुच्छेद 44 में बहस में कहा था कि ये देश के हित में है। बिल्कुल। तो इनको स्कूल कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है उससे भी नफरत है, और देश में संविधान के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी नफरत है। क्या इन्हें यूनिफॉर्मिटी से नफरत है? चित्रा जी, यूनिफॉर्मिटी आप अभी इनसे कहिए, सारे के सारे एक ही धर्म का पालन करेंगे, और आप जानती है मैं किस धर्म की बात कर रही हूं, इस्लामिक मुल्क। कहेंगे ना यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम यही बात कहेंगे कि संविधान एक चट्टान की तरह है और उससे अगर ढकियानूसी सो टकराएगी और समानता का अधिकार दूर करेगी नागरिकों का, तो ये गलत है, और चट्टान से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। अब जवाब तो ये लोग कोई उत्तर नहीं देंगे। यूनिफॉर्मिटी तब अच्छी यूनिफॉर्म है कि सबको इस्लामिक बना दो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी सबको सम्मान दे दे तो खराब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या संविधान विरोधी है? शोएब जमई। चित्रा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान अधिकार और नागरिकों के समान सम्मान की बात करता है, लेकिन ये देश प्लुरिज्म और डाइवर्सिटी से बना है। क्या आर्टिकल 38(2) में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इनकम की इक्वालिटी की बात नहीं करता? क्या 39(a)(b)(c) जो है ये नहीं कहता है कि एक ही लोगों पर इतना दौलत क्यों जमा हो गया? 2% लोगों के 98% जमा है और बाकी यहाँ से 2% दौलत में ही यहाँ से बाकी 98% मुल्क में है। क्या आर्टिकल 44(UCC) की आप बात करते हैं? क्या दया बागा और मिताश्री एक्ट के बारे में बात करेंगे? ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। शोएब जमई जी, अभी आपको जब बुलाया जा रहा था तो आपको एक टॉपिक बताया गया होगा कि इस टॉपिक पर आपको बातचीत करना है। क्या हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको ब्रीफ किया था इस बारे में? मैं इसी पर बात कर रहा हूँ, यूसीसी के तहत क्या हिंदू, मैंने आपसे पूछा क्या वो संविधान विरोधी है? शोएब जमई जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यही संविधान इस बात की गारंटी देता है कि जो मुसलमानों का सिर्फ मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप क्यों इसको हाइट बनाते हैं कि मुसलमान भाई, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड मिजोरम में क्या पॉली एंट्री की इजाजत नहीं है? क्या आप उसको शामिल कर पाएंगे पॉली एंट्री की इजाजत? पोर्तुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट जो गोवा में है, क्या आप उसको यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला पाएंगे? क्या उसकी यूनिफॉर्मिटी होगी पूरे देश में? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट है, क्या उसकी यहाँ से यूनिफॉर्मिटी होगी? तो मैं समझता हूँ गोवा में पहले से क्या लागू है, गोवा में पहले से क्या लागू है, जरा बताइए आप। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, गोवा में पहले से क्या लागू है? शोएब जमई, इनको पता ही नहीं है। शोएब जमई, गोवा में क्या लागू है? गोवा में पोर्तुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट है, जहां पे वहां पे प्रॉपर्टी के जो डिवाइडेशन है और प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अपना अलग एक्ट है, उसको आप यूनिफॉर्मिटी में नहीं ला सकते। नागालैंड मिजोरम में पॉली एंड्रे है, 1961 से ही पुर्तगाल सिविल कोड 1867 वहां पर लागू है गोवा का, जिसका जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा तो मतलब दर्शकों को ऐसे भ्रम में डालने की कोशिश नहीं कीजिए। शोएब जमई, मेरा सीधा सा सवाल है, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, आप मेरी बात सुनिए ना। दरअसल दिक्कत आप लोगों की ये हो गई है ना, जो सच है वही देश के सामने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है क्या वो हिंदू पर लागू नहीं होगा? क्या वो क्रिश्चियन पर लागू नहीं होगा? क्या वो तमाम जो आदिवासी हैं जिनके लिए अलग से कुछ चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? तो फिर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को इस बात को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत और परेशानी क्यों है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। मैडम, मैं तो ये खबर पढ़ी थी हमने, और मैंने उलमा से मालूम किया था कि मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने खुद कहा था कि इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए,
कि देश में जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो सारे उनके अपने अपने जो पर्सनल लॉज है वो भी हम पर होंगे, नॉर्थ ईस्ट के हम पर होंगे, साउथ इंडिया के हम पर होंगे, उन सबको बुला करके एक डिस्कशन कीजिए ना, सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसमें टारगेट। गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना, बुला के पहले बातचीत तो कीजिए, अगर भ्रम के स्थिति किस मुद्दे पर है तो बुलाकर बातचीत करके समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। लेकिन आप लोग भी तो थोपना चाहते हैं ना, ये दिखाना चाहते हैं एक वर्ग पर कि देखिए हम जो चाह लेंगे वही होगा। क्या इस तरह की मंशा है सरकार की गौरव जी? चित्रा जी, देखिए आपने एक सवाल किया, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान विरोधी है? संविधान का जब वो हिस्सा है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इनैक्ट किया है, तो वो विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे ये पता है शोएब जमाई जो है भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जरूर है। जहांगीरपुरी में देखिए इनका ट्वीट है, और मैं क्यों लाता हूं ये ट्वीट, इसकी वजह है जनता को पता चलना चाहिए हम किन लोगों से चर्चा करते हैं, कितना जहर उगलते हैं ये। इन्होंने लिखा, आपने घबराना नहीं है, सत्ता बदलेगी तो हम इनका भी उखाड़ देंगे, इनका भी उखाड़ देंगे, खुद उखड़े हुए हैं उखाड़ देंगे। जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पर भी भगवा दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर तो उन पर भी चलेगा। पता नहीं इनकी सरकार कहाँ है, हो सकता है तालिबान से बड़ा प्यार करते हैं, उस सरकार को अपना बताते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपने कहा बातचीत क्यों नहीं, चित्रा जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपने सभी मुख्यमंत्रियों को भी सुना होगा क्या कहा गया। उन्होंने कहा पहले इस पे विचार विमर्श होगा, किसी पे थोपा नहीं गया। और बल्कि अभी एक मौलाना साहब कह रहे थे कि अभी तो यूसीसी का खाका भी नहीं बना। चित्रा जी, जब खाका नहीं बना, जब हिंदू बाहर आके विरोध नहीं कर रहा, क्रिश्चियन नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, जैन नहीं कर रहा, बौद्ध नहीं कर रहा, नागालैंड वाले लोग नहीं कर रहे, तो ये केवल और केवल सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर क्यों बाहर आके विरोध करने लगते हैं? जल्दी से इस बारे में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी।